नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट ऑटोमोबाइल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज की पल्सर 150cc ट्विन डिस्क BS6 के बारे में। ट्विन डिस्क का मतलब है कि आपको दोनों ही टायरों में ड्यूअल डिस्क देखने को मिलेंगे, यानी दोनों ही टायरों में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे ऑटोमोबाइल रिलेटेड न्यूज़ आपको मिलती रहती है। हाँ तो जी, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे बाइक के प्राइस की। तो पहले इस बाइक की कीमत लगभग 1,06,000 रुपये के आसपास थी। इस बाइक की कीमत अब जो ड्यूअल डिस्क के साथ ये बाइक आ रही है, इसके लिए आपको पे करने होंगे लगभग 1,18,000 रुपये के आसपास। इस बाइक में जो भी अपग्रेडेड चीज़ें हुई हैं उसके कारण बाइक की प्राइस आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, नई मॉडल में इतनी जो कीमत बढ़ी है, इसमें कंपनी ने क्या क्या बड़े बदलाव किए हैं या क्या क्या चीज़ें जो है वो बाइक में अपग्रेड की गई है, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात बाइक के कलर की करें तो बाइक में आपको 5 से 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें ब्लैक, ब्लू, रेड कलर ऑप्शन, बाकी सारे कलर ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बाइक में आगे की तरफ आपको 17 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, वहीं पीछे की तरफ भी आपको इसमें 17 इंच का अलॉय व्हील मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं बाइक की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की, जो है इसका इंजन। तो इसमें आपको 150cc का BS6 एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो कि 13.8 BHP की पावर और 13.25 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स से लेस है। और जो इस बाइक में सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो है इसका फ्यूल इंजेक्शन। फ्यूल इंजेक्शन के आने से अब गाड़ी का माइलेज कितना बढ़ेगा वो तो हमें टाइम आने के साथ ही पता चलने लगेगा, पर आपको अब पेट्रोल ऑन ऑफ करने का नॉक अब आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन आ गया है और कार्बोरेटर को रिप्लेस कर दिया है। वहीं गाड़ी के टायर की बात की जाए तो इसके फ्रंट में आपको 90x90x17 के और रियर में आपको 120x80x17 का टायर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको 17 इंच के अलॉय मिलेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बजाज पल्सर 150 में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें एनालॉग मीटर के साथ ही LCD स्क्रीन लगाई गई है। यहाँ पर आपको बाइक की स्पीड, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर जैसी जानकारियाँ मिलती है। बाइक के सस्पेंशन की बात करें तो इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक विद एंटी फ्रिक्शन ब्रश टाइप सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। वहीं इसके रियर में आपको, रियर की सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको 5-वे एडजस्टेबल नेटवर्क शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलेंगे। बाइक के ब्रेक्स की बात करें तो इसके फ्रंट में आपको 280mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, वहीं इसके रियर में आपको 230mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। वहीं सेफ्टी के लिए इसमें आपको सिंगल चैनल ABS भी मिलता है, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाइक में आपको 15 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिलता है। बाइक के एवरेज की बात करें तो इसमें लगभग आपको 40 से 45 के बीच में एवरेज मिल जाना चाहिए, वो भी डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग बिहेवियर के ऊपर। पर 150cc सेगमेंट में इसका इंजन आपको बहुत ही बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी निकाल कर देगा, तभी इतने सालों से ये बाइक मार्केट में अपनी जगह बनाकर रखी हुई है। और अगर आपका बाइक या हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिना मत जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।